धर्म ध्वजा के नीचे सभी धर्म पंथ के लोग धर्म जागरण का संकल्प लेकर एकत्रित हों, इसी उद्देश्य के साथ भगवा यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले 5 वर्ष पूर्व कश्मीरी हिंदू बलिदान दिवस पर इस यात्रा का आयोजन शुरू किया गया था। पिछले 5 वर्ष से यह यात्रा निरंतर आयोजित की जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्म जागरण है। हम अपने धर्म की कीर्ति के लिए संगठित रहें, स्वास्थ्य सबल और सशक्त रहें, इसी उद्देश्य को लेकर सभी को धर्म ध्वजा के साथ संगठित किया जाता है। यह बात मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में भगवा यात्रा के आयोजक देवकरण जाट ने कही। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें सभी राजनीतिक दल और वर्ग के लोगों को शामिल होने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। श्री जाट ने कार्यक्रम के स्वरूप की जानकारी देते हुए कहा कि भगवा यात्रा रविवार 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे लाल बाग उद्यान से शुरू होगी। यात्रा परंपरागत शहरी मार्गों से होते हुए राजबाड़ा पहुंचेगी। यहां पर धर्म सभा का आयोजन होगा, जिसे मुख्य वक्ता श्री 1008 प्रणव पुरी जी महाराज पीठाधीश्वर महामृत्युंजय मठ उज्जैन संबोधित करेंगे। भगवा परिवार के लिए गौरव की बात है कि युवाओं को एक युवा संत का उद्बोधन सुनने का अवसर मिलेगा। यात्रा के प्रभारी योगेश टोकरिया और योगेश परमार को बनाया गया है। यात्रा में एक राष्ट्रीय ध्वज और अनगिनत केसरिया ध्वज रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या रूपरेखा रहेगी? भगवा परिवार के नेतृत्व में प्रतिवर्ष निकलने वाली कश्मीरी हिंदू बलिदान दिवस पर हिंदुत्व शक्ति जागरण भगवा यात्रा का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। चारों वर्ष में यात्रा आप लोगों के माध्यम से हिंदू समाज के सहयोग से सफल हुई। इस बार 15 सितंबर 2019 रविवार प्रातः 3 बजे इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त समाज जन से हमारा आग्रह है वो हिंदू होने के नाते कम से कम इस यात्रा में पधारें। कहाँ से शुरू होगी और कहाँ इसका समापन रहेगा? धार के लाल बाग से यात्रा प्रारंभ होगी दोपहर 3 बजे। धार के मुख्य मार्ग से होती हुई राजवाड़े पर विशाल धर्म सभा है और धर्म सभा के बाद यात्रा का समापन। अतिथि कौन आ रहे हैं? अतिथि है प्रणवपुरी जी महाराज, श्री श्री 108 प्रणवपुरी जी महाराज पीठाधीश्वर है, उज्जैन में उनका निवास है, वर्तमान में मथुरा में। भगवा परिवार द्वारा प्रति वर्ष यात्रा निकाली जाती है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रा के, क्या उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कश्मीर हिंदू बलिदान दिवस। जिस प्रकार कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उनका पलायन किया गया, हम चाहते हैं, भगवा परिवार यही संदेश देना चाहता है कि पूरे क्षेत्र में समाज संगठित रहे, कश्मीर जैसी स्थिति दोबारा हमारे देश में उत्पन्न न हो, हमारे गांव में उत्पन्न न हो, हमारे शहर में उत्पन्न न हो, इस हेतु भगवा परिवार कार्य कर रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।